अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला के बाद इस दुनिया में माँ जितना प्यार अपने बच्चों से करती है उतना और कोई भी किसी से भी नहीं करता। माँ चाहे इंसान की हो या फिर जानवर की, माँ माँ ही होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जानवरों की दुनिया में देखी जाने वाली कमजोर माओं की ममता की ताकत दिखाऊंगा, जो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बड़े से बड़े शिकारी का सामना करने से भी ना डरी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, डक। दोस्तों आप सब ने कभी न कभी इंटरनेट पर वीडियोस में सी बर्ड को तो देखा ही होगा, जो कि ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में ही पाए जाते हैं। ये साइज में जितने छोटे होते हैं असल में ये उतने ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये अपने से बड़े साइज के बर्ड्स का भी इजीली शिकार करके उन्हें खा जाते हैं, इसीलिए बत्तख भी इनसे दूर ही रहती है। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक सी बर्ड बत्तख के छोटे छोटे बच्चों को खाने की कोशिश करता है, जिस पर इन बच्चों की माँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए इस बर्ड की खूब धुलाई करती है। इस बत्तख माँ की ममता को देख कर वहाँ मौजूद सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं। नंबर 2, बैजर। दोस्तों चीता एक खूनखार जानवर है। आप सब ने नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर चीता को कई सारे मासूम जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हुए देखा होगा, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक चीता बैजर के छोटे बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक इस बच्चे की माँ दौड़ती हुई आती है और इस चीता पर हमला कर देती है। दोस्तों बैजर साइज में चीता के मुकाबले बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन इस माँ ने एक बार भी नहीं सोचा और चीता जैसे खूनखार जानवर पर हमला करके उसे भागने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच में इस दुनिया में ममता से बड़ी ताकत और कोई भी नहीं है। नंबर 3, चीता। दोस्तों कभी कभार शिकारी खुद भी शिकार बन जाते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप इस चीता माँ को देखें, जो कि शेर को अपने बच्चों की तरफ आता देखकर खुद शेर की तरफ चली जाती है और शेर को अपने बच्चों से दूर ले जाकर अपने आप को शेर के हवाले कर देती है। दोस्तों अगर ये चीता माँ चाहती तो शेर से तेज भाग कर अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगी तो शेर उसके बच्चों को खा जाएगा, जो कि उसे कतई तौर पर मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने अपने आप को शेर के हवाले कर दिया ताकि शेर उसे खा ले और उसके बच्चों को कुछ भी ना हो। दोस्तों ये मोमेंट देखकर तो किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं। नंबर 4, जिराफ। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि शेर इस दुनिया का सबसे बहादुर और खूनखार जानवर है, इसीलिए इसे जंगल का बादशाह भी कहा जाता है। शेर अकेला ही किसी भी बड़े से बड़े जानवर का भी शिकार कर सकता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दो शेर मिलकर जिराफ के एक छोटे और मासूम से बच्चे का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे कि इस बच्चे की माँ इसकी जान बचाने के लिए भागती हुई आती है और जंगल के बादशाह यानी शेरों पर हमला कर देती है दोते हैं, मगर इस माँ की ममता के आगे इन शेरों की भी एक नहीं चली और इन्हें यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है। अगर इस बच्चे की माँ सही वक्त पर ना आती तो शेर इस बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से खा जाते। नंबर 5, डियर। दोस्तों बबूंस बंदरों की एक ऐसी नस्ल है जो साइज में थोड़े बड़े होते हैं। ये ज्यादातर दरख्तों पर रहते हैं और दरख्तों पर फल वगैरह खाते हैं। इन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भी खूनखार हो सकते हैं। अक्सर इनका ऐसा रूप देखने को मिलता है जिसे देखकर इंसान भी दंग रह जाते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक बबून हिरन के छोटे बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था कि इस बच्चे की माँ को ये कतई तौर पर मंजूर नहीं था, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करती और इस बबून को मार मार कर यहाँ से भगा देती है और अपने बच्चे की जान बचा लेती है। नंबर 6, डॉग। दोस्तों सांप इस दुनिया के सबसे जहरीले और जानलेवा जानवरों में से एक है और सांपों में भी सबसे ज्यादा खतरनाक कोबरा सांप को माना जाता है।
जो कि एक बार किसी को बाइट कर ले तो फिर उसका जिंदा बच पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक सांप गलती से कुत्ते के इन बच्चों के पास आ जाता है, जिस पर इन बच्चों की माँ को लगता है कि शायद ये सांप मेरे बच्चों को खाने आया है और वो सांप पर भौंकना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये माँ एक बार भी नहीं सोचती कि अगर इस सांप ने मुझे काट लिया तो मेरी जान भी जा सकती है, और सांप को अपने बच्चों के पास से निकालने के लिए उस पर भौंकती रहती है। इसी दौरान ये सांप इस पर हमला भी करता है, लेकिन ये माँ फिर भी नहीं डरती। आखिरकार वहाँ मौजूद लोगों ने सांप को वहाँ से निकाल दिया। नंबर 7, हेन। दोस्तों, ईगल परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा है। अल्लाह ने इसे बड़े बड़े परों और मजबूत पंजों से नवाजा है, इसीलिए ईगल अपने से 10 गुना ज्यादा वजनी जानवर का भी आसानी से शिकार कर लेता है। लेकिन इस वीडियो में आप इस मुर्गी को देखें जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दाना धुन का चुग रही थी, के पास ही दरख्त पर बैठा एक हॉक ईगल ये सब देख रहा था। मौका मिलते ही इस ईगल ने इन पर हमला कर दिया, और जब उसने मुर्गी के बच्चों को खाने की कोशिश की तो इन बच्चों की मां ने इनकी जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह ना की और ईगल पर हमला कर दिया। दोस्तों, इस ममता की ताकत को देखकर ईगल भी दंग रह गया और उसने यहां से वापस चले जाना ही मुनासिब समझा। मुर्गी वैसे तो बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर कोई इंसान भी इसके बच्चों के पास से भी गुजर जाए तो मुर्गी इंसानों पर भी हमला करने से नहीं डरती। इससे ये बात साबित होती है कि वाकई ममता की ताकत से बड़ी ताकत इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। नंबर 8, डियर। दोस्तों, अक्सर आप सब ने गीदड़ के बारे में सुना होगा कि ये बहुत ही डरपोक जानवर है, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गीदड़ भी एक खूंखार जानवर है। ये अपने शिकार को जिंदा ही चीर फाड़ देते हैं और उसे खा लेते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक गीदड़ हिरन के छोटे बच्चे का शिकार करने के लिए आता है, लेकिन इस बच्चे की माँ अपनी जान की परवाह किए बगैर इस बेरहम गीदड़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। ये माँ किसी सूरत भी इस गीदड़ को अपने बच्चे के पास तक भी नहीं आने देती। ममता की इस ताकत को देखकर गीदड़ को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और वो यहाँ से चला जाता है। इस तरह ये माँ अपने नन्हे से बच्चे की जान बचा लेती है। दोस्तों, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे वालदैन को हमेशा सलामत रखे और हमें अपने वालदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।